बहुत लोगों ने ये बोला कि आप क्यों इस आंदोलन में जा रहे हो, तो ऑपोजिशन करा रहा है। मेरा पहला सवाल था, आपने बिल पढ़ा? उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो जो लोग खुद नहीं पढ़े हैं ना, वही लोग सवाल कर रहे हैं कि किसान कुछ जानते नहीं है। आप आओ ना सिंगू बॉर्डर, आप आंदोलन की धरती पे जाके तो देखो, आप जाके बात करो किसानों से, किसान बताएंगे कि वो क्यों यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं। बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन ये निहत्थे गरीब लोग उनसे डरना छोड़ देंगे। ये कविता है गोरख पांडे की, जो अभी आप कुछ देर पहले गुनगुना रही थी हमारे साथ, वो डरते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस संस्था से आप? हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं, और दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और जब से ये मूवमेंट चल रहा है, तभी से हम लोग इस मूवमेंट
गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि डिमांड्स अचीव नहीं हो जाती है। जब तक ये आंदोलन चल रहा है हम लोग इस आंदोलन के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, आज सिंघु बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, कितने दिन से आ रही हैं? हम लोग जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही हम लोग फर्स्ट डे से ही आंदोलन में आ रहे हैं। डेली हम लोग आते हैं और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, नारे लगाकर घूमना, गाने गाना, लिटरेचर वगैरह देना, तो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। आप एक युवा हैं और शहीद भगत सिंह की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, तो शहीद भगत सिंह भी यही कहते थे कि युवाओं का राजनीति में दिलचस्पी लेना बेहद ज़रूरी है। तो आप उस वजह से आ रही हैं या आपको वाकई में लगता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है? दोनों ही चीज़ें हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। और एक चीज़ हमेशा कही जाती थी कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो छात्रों की, नौजवानों की उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हम लोगों ने इस आंदोलन के अंदर देखा कि किस तरीके से किसानों ने पूरे देश भर की जनता के सामने एक मिसाल पेश की। बैरिकेड तोड़ने की बात हो, पत्थर तोड़ने की बात हो, टीयर गैस हो, जो भी हो, वाटर कैनन्स हो, हर एक चीज़ को फेस करते हुए जो किसान यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और ऐसे एक समय पर जब देश के किसान, इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में छात्र नौजवान क्या घरों में बैठेंगे अपने? तो फिर उनके छात्र नौजवान होने का क्या फ़ायदा है? तो इसीलिए जब इस देश के किसान जब सड़कों पर उतरे हुए हैं तो छात्रों नौजवानों की ये उनका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है उनकी कि वो भी आंदोलन में आए और आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। जी, आप एक महिला हैं और शाहीन बाग में भी जो है वो महिलाओं ने ही जो है वो एक तरह से शाहीन बाग के आंदोलन को पूरा लीड किया था। तो आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके से किसान सड़कों पर हैं और सरकार है कि वो अपना जो रवैया है वो बदलने को तैयार नहीं है, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन कहाँ तक आगे जाने वाला है? एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम आंदोलन होने से डरता है। जनता के पास अगर कोई ताकत है तो वो आंदोलन की ताकत है और एक आंदोलित जनता से ताकतवर चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है, और वो आज ये किसान दिखा रहे हैं। तो ऐसे एक स्थिति में पिछले आंदोलनों में भी जो सरकार का रवैया रहा है कि डिवाइड एंड रूल का गेम प्ले करना, डिवाइड एंड रूल करके आंदोलन को बांट देना, उसी तरीके से सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि वो भी इस आंदोलन को भी वो लोग बांट सके। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से एकजुट होकर, बहुत बार ये बोला गया कि पंजाब हरियाणा के थोड़े से किसान हैं, खालिस्तानी हैं, लेकिन तब भी हम लोगों ने देखा कि आंदोलन टूटा नहीं। तो जब तक ये आंदोलन इस तरीके से बरकरार है, सरकार इनको नहीं तोड़ पाएगी, इस आंदोलन को भी ख़त्म नहीं कर पाएगी। और अगर ये आंदोलन इसी तरीके से एकजुट होकर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक मूवमेंट चलता रहेगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। आप एक युवा हैं, स्टूडेंट भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं, आज आप यहाँ पर आई हैं किसानों के बीच में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि किसानों को तो पता ही नहीं है कि आखिर इस बिल में क्या है। राजनाथ सिंह वहीं ये बयान दे रहे हैं कि MSP नहीं हटेगा, आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या किसान वाकई नहीं समझ पा रहे हैं क्या? वो लोग तो किसानों से आगे बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो कहीं और जा जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो कहीं और जाकर सभा कर रहे हैं, तो वो ये कैसे बता पाएंगे कि किसान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आओ ना सिंघु बॉर्डर जाओ, टिकरी बॉर्डर जाओ, गाजीपुर बॉर्डर जाओ, किसानों से बात करो, किसान बताएंगे आपको कि वो कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। और जो लोग इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोगों जैसे लोग जो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, वो लोग भी समझ पाएंगे कि किसान कितना इस बात को समझ रहे हैं। बल्कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तरीके के मैसेजेस पढ़ के या वीडियोज़ देख के ये समझ रहे हैं कि किसान कुछ नहीं जानते हैं, मुझे भी पर्सनली मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि आप क्यों इस आंदोलन में जा रहे हो, तो ऑपोजिशन करा रहा है। मेरा पहला सवाल था, आपने बिल पढ़ा? उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो जो लोग खुद नहीं पढ़े हैं ना, वही लोग सवाल कर रहे हैं कि किसान कुछ जानते नहीं है। आप आओ ना सिंघु बॉर्डर, आप आंदोलन की धरती पर जाके तो देखो, आप जाके बात करो किसानों से, किसान बताएंगे कि वो क्यों यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, देश के युवा क्या कहना चाह रहे हैं? देश के युवा सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो लोग अभी जनता की ताकत को शायद समझ नहीं पाए हैं या जो भी है मैं नहीं जानती, लेकिन जनता के पास आंदोलन एक बहुत बड़ी ताकत है और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हमने CAA NRC के मूवमेंट के टाइम पर भी देखा, बहुत कोशिश की उसको तोड़ने की, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इस आंदोलन को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस देश के किसानों के साथ देश के छात्र, नौजवान, महिलाएँ, युवा सब लोग खड़े हुए हैं और वो इस आंदोलन को तोड़ नहीं पाएंगे। और सरकार ये भी जान ले कि हम लोग तब तक अड़े रहेंगे, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड अचीव नहीं हो जाएंगी। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के बाद
पीछे छूटते रहे, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, तो लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। उलटेंगी एक दिन ना काम वो सियासती।